तो भाई वेलकम है आपका पिजन तो फरीदाबाद में, सब भाइयों को स्वागत है भाई। ठीक है तो भाई चोरों से रिलेटेड आजकल हम वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है आपने देखा होगा चैनल पे। ठीक है तो भाई आज एक बात और मतलब शेयर करने का दिल कर रहा था, मैंने चला बैठे हुए तो मैंने चल भाइयों के संग एक बात और शेयर कर देते हैं, जो भाई कि कबूतर के जोड़े लगाने के वगैरह देखी जाती है, मोस्टली देखते हैं और भाई बहुत कम बंदे जो ये चीज जानते होंगे और जानने वाले जानते होंगे, पर हम तो भाई जो नए कबूतर आवाज है उनके लिए बता रहे हैं। ठीक है भाई, क्योंकि एक से एक साथ बैठा कोई हमसे भी बड़े खलीफा बैठे हैं। ठीक है भाई, ये नहीं है कि हम भी बहुत बड़े खलीफा हैं भाई, पर हम अपनी नॉलेज जो है शेयर कर रहे हैं आपके साथ, तो आपको जो हमें पता है जो हम आपको बताते हैं। वही जैसे हमने आपको ये भी बता रखा है कि कबूतर जो पूंछ है बंद होनी चाहिए खुली होनी चाहिए, उसका भी हमने आपको पिछले पार्ट में बता रखा। और भाई जिसकी भाई ने अगर नहीं देखा और ये डायरेक्ट वीडियो देख रहा तो भाई मन को समझ में नहीं आएगी वीडियो। ठीक है तो आपने स्टार्टिंग से देखना पहले पार्ट से लेके, ठीक है तो भाई पहले पार्ट से आप वीडियो देखना तब आपको मजा आएगा वीडियो में और आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो भाई अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या, जो चीज़ आपको मैं बताने के लिए कर रहा हूँ। अब जैसे ये कबूतर है भाई, मेन चीज होती है कबूतर की हड्डी और जोड़ और उसके पर। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना भाई, जैसे अभी जब जोड़ा लगाते हैं ना, आप कभी भी जोड़ा लगाते हैं तो कबूतर के पर जो है, जो पर है वो तो मैंने आपको बता ही रखा कि कैसे होने चाहिए, पर जैसे पंजे होते हैं ना, पंजे जो पतले पंजे होते हैं और जो उसके पतले पंजे के यहाँ की जो हड्डी होती है, ये वाली, ये हड्डी जो पैरों में जो हड्डी होती है, ये वाली यहाँ जो हड्डी होती है, ये हड्डी और कबूतर की जो गर्दन की हड्डी, ये उड़ाने के ऊपर, क्या आपको एक बार बता रहा हूँ, जो कबूतर की ऊपर की ये वाली गर्दन वाली हड्डी होती है, पतली होती है ना, जो उससे मिलती जुलती हो बिल्कुल पैर के हिसाब से, मतलब पतली हो उसी साइड से पतली हो, तो भाई वो कबूतर 100% उड़ना ही उड़ना है, चाहे उसके जोड़ खुले हो चाहे बंद हो, फिर वो चीज़ मैटर नहीं करती जहाँ तक मेरी नॉलेज है। ठीक है भाई, और अब जोड़ा लगाने के ऊपर एक और बात बता रहा हूँ कि भाई जोड़ा लगाने के टाइम पे हमने क्या जरूर देखना चाहिए। तो भाई जैसे ये है इस कबूतर की हड्डी है, ठीक है, ये वाली हड्डी जो है, जो सीप जिसे जैसे कबूतर सीप जाती है, बड़ी वाली हड्डी जो है, ये वाली मेन हड्डी जो कहते हैं, हाँ, ये कबूतर में हमें क्या देखना, इसमें अगर कबूतर के नर की हड्डी जो है बड़ी है ना, अगर ये नर वाली हड्डी है, अगर ये बड़ी है तो जो मादिन की हड्डी होनी चाहिए वो छोटी होनी चाहिए भाई कबूतर से। जैसे नॉर्मली बताऊं, जैसे नर की जब आप पकड़ोगे ना, ये हड्डी चार उंगल में जो आ रही है, चार उंगल में जो आ रही है, तो मादिन की हड्डी भाई तीन उंगल में आनी चाहिए, मेन बात ये है। ठीक है भाई, नर मादिन की हड्डी छोटी हो, ठीक है भाई, दोनों में से एक की हड्डी तो छोटी होनी चाहिए। अब दोनों का भाई अगर बैलेंस में लगा दोगे तो कामयाब नहीं है जोड़ा। कभी भी एक चीज हमेशा ध्यान रखना भाई, मैं सीधी सिंपल चीज एक बार बता रहा हूँ भाई, ठीक है, अगर वो चीज देख लोगे तो भाई मतलब उसके अलावा नर और मादिन अगर आपने जोड़ा लगाना और आपने कबूतर उड़ाने हैं तो भाई बिल्कुल उल्टा लगा दो। ठीक है भाई, बिल्कुल उल्टा, मतलब कि जो क्वालिटी अगर कबूतरी के अंदर है वो क्वालिटी कबूतर के अंदर ना हो, उससे डिफरेंट क्वालिटी हो कबूतर के अंदर, मेन चीज ये हो गई। अगर ये चीज देख के आप जोड़ा लगाओगे ना भाई, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई जोड़े का रिजल्ट आना ही आना है, 100% पास है भाई, पॉजिटिव लगाना बिल्कुल आप, ये नहीं होना चाहिए कि भाई इसके बिल्कुल बंद है तो जोड़े इसके भी बंद हो जाएंगे, इतना ध्यान रखना भाई कि आप ये ना हो कि कोई मद्रासी कबूतर हो उसके साथ कोई और लगा दो, कोई ब्रीड मत खराब करना, ये मत खराब करना बस, लोग क्या करें, कुछ भी उड़ेगा तो सही, वो मैं ये बात मानता हूँ उड़ेगा कबूतर, पर उसकी वजह की तेज कबूतर की बात वो भी नहीं है, पर मुझे कहो तो मान के चलो ये कबूतर है मेरा पंजाबी कबूतर है इस और मान लो ये कबूतरी मद्रासन है, मान लो मैं ये कहने का है नहीं है पर मद्रासन मान लो इसको, अगर मैं इसके साथ इसका जोड़ा लगा दूंगा, इसके साथ इस कबूतरी का अगर मैं जोड़ा लगा देता हूँ ना, तो एक चीज हो जाएगी, ये कबूतर अगर कभी मुझे दोबारा ये ब्लड बनाना होगा ना, तो उस पट्टे से जो इन जोनों के मद्रासी कबूतर या कोई और कबूतर से मैं जोड़ा लगाता हूँ इनका पंजाबी का, तो भाई वो चीज मुझे दोबारा नहीं मिल सकती भाई। यही चीज है आपको देखने की, कबूतर में क्रॉसिंग इतनी मत करो कि हाँ पंजाबी से पंजाबी क्रॉस करो, पर ये नहीं कि पंजाबी से मद्रासी कर रहे हो, उससे अलावा नस्ल का नाश हो जाता भाई, बेकार हो जाती है, उससे फिर आप कुछ हासिल नहीं कर पाते। अगर आपका मान के चलो खुदा ना खास्तो मान लें हमारा ये कबूतर है, हमने इसका जोड़ा किसी मद्रासन से लगा दिया और ये हमारा बहुत जबरदस्त कबूतर है और हमने इसका बच्चा भी ले लिया, उड़ा भी रहे हैं, अगर मान के चलो इसे खुदा ना खास्तो कुछ हो जाए और ये कबूतर को मतलब मर जाए ये कबूतर, तो उसके बाद क्या दोबारा तुम ये कबूतर बना लोगे उसके पट्टे से, मतलब ही नहीं कि बना लोगे, क्योंकि वो तो क्रॉस कबूतर है मद्रासी कबूतर को, उसमें तो वो चीजें निकाल ही नहीं सकता है, तो भाई नस्ल बिल्कुल मत खराब करा करो। ठीक है ना भाई, और जो मैंने आपको बताया इसके लिए ये हड्डी जोड़ के जरूर ध्यान ना, और अपोजिट रखा करो बिल्कुल, हर चीज अपोजिट होनी चाहिए कबूतर के जोड़ा लगाते वक्त। अगर इसके जोड़ देखो नर के तो बंद बिल्कुल चल जाते हैं, पर जो मादिन के बिल्कुल बंद ना हो, हल्के से खुले भी होंगे ना तो भी चल जाएंगे, क्योंकि मादिन क्या होता है अंडा भी देते हैं तो कबूतरी के थोड़ा बहुत जो जोड़ खुल जाता है वो अंडे देने के समय। ठीक है भाई, यही चीज आपको ध्यान रखना है। और एक चीज हो रहा है, जैसे हड्डी और जोड़ के बीच में जो ये गैप है ना, ये वाला, ये अगर कम होगा ना वो उतना अच्छा है जोड़े लगाने के लिए,
ठीक है। और जरूरी नहीं है कि कबूतर के हक, जैसे मान के चलो कि अगर आपने चार बच्चे निकलवाए तो चारों के चारों कबूतर के उड़ेंगे उड़ेंगे। कुछ कबूतर को क्या होता है कि वो ब्रीडिंग के लिए बने होते हैं और वो बच्चे अच्छे निकालते हैं और बच्चे अच्छे उड़ाते हैं। अब मान के चलो ये कबूतर मेरा अगर 8-7 घंटे उड़ रहा है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि इसके सारे बच्चे 8-7 घंटे ही उड़ेंगे, ठीक है भाई। जो कबूतर का बच्चा मान के चलो नहीं उड़ रहा तो वो ब्रीडिंग वो बच्चे वो अपने बच्चे उड़ाता है, ये चीज आप ध्यान रखना है। जरूरी नहीं है कि वो कबूतर अगर आपको 2-4 घंटे उड़ा तो वो कबूतर खराब है, क्यों, क्योंकि वो नस्लदार कबूतर है, वो खुद नहीं उड़ेगा तो अपने बच्चे जरूर उड़ाएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना हो, ठीक है। और जो कबूतर खुद नहीं उड़ता ना, अगर नस्लदार कबूतर अच्छा कबूतर आपने उसे निकालो, आपने अपने घर का कबूतर अच्छा कबूतर है आपने उसको, आप उसकी ब्लड लाइन को जानते हैं, तो वो अपना बच्चा 100% उड़ाएगा भाई, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो भाई मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जितना हो सके आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा समय लेके टाइम खराब करने वाले आदत नहीं है कि भाई माथ खा के बात बतानी, और सीधी सी हमारा तो यही काम है कि सीधी बात बताते हैं भाई, और टाइम कम लेते हैं दोगे, क्योंकि भाई आज के टाइम में समय की बहुत ज्यादा, समय बहुत कीमती है भाई, ठीक है, किसी पे इतना समय नहीं है कि हमारे आगे वीडियो देख रहा, हमारा बस मेन मोटिव ये होता है कि भाई कोई भाई अगर हमारे यहाँ पे आकर चैनल पे आके वीडियो देख रहा है, अगर वो 2 या 3 मिनट या 4 मिनट या 5 मिनट भी अगर कुछ देख रहा है ना, तो उसको उसमें कुछ सीखने को मिले, ये नहीं कि कुछ भी बोल के चले जाओ और बस जो काम भी ना उसके, भाई वो चीज़ हम डालते हैं जो हमें समझ में आए, चाहे हमारी वीडियो 1 मिनट की हो चाहे हमारी मिनट 5 मिनट की वीडियो, ठीक है ना भाई। तो भाई हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें भाई, और अगर हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है ये कमेंट करके जरूर बताएं भाई, ठीक है ना भाई। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें जितना हो सके वीडियो शेयर करें भाई।